चल बोल, लगा पूरी ताकत जोर से। क्या बोला, डबल से बोल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों परेशान कर रहा, दिया था तुझे हुकुम में चले जा बोल के? हाँ मजबूर कर रहा मुझे तेरे टुकड़े कराने पे। बोल, अरे लगा पूरी ताकत लगा के हाजिर हो, जल्दी लगा ताकत जोर से, जल्दी लगाओ सड़कन, लगा जल्दी पूरी ताकत जोर से और जोर से और जोर से। ये दूसरा लेके हुआ है, लगा पूरी ताकत और जोर से। तुम बाहर जाओ, इतने जन नहीं जाते आते अंदर, तुम बाहर जाओ और तुम भी बाहर। उधर से फट जाके उधर साइड में जाओ, उधर साइड में जकड़ो उसको और तेज जकड़ो। अब क्या करूं तेरा वो सोच रहा हूं मैं। करा दूं टुकड़े, हुकुम दिया था ना मैंने तेरे को चले जा बोल के छोड़ के इससे पहले, क्यों रहेगा और क्यों वापिस आया, वजह सुना मुझे जल्दी। उसका आतरा निकालो थैली में से और उसको पढ़ा के लगाओ, उसके नाक में दम करा के निकालो ना सामान। पानी बॉटल भी लाओ ना, फ्रेश फ्रेश पानी बॉटल भी लाओ। चल हाँ बोल, तेरा नाम क्या था तेरा, भूल गया मैं, क्या था तेरा नाम? हाँ क्या पूछा मैं जवाब, गुस्सा आया ना मुझे, जला लाया तो देखा ना इससे पहले कैसे हाथा तोड़ने आ जाते। फिर जल्दी बोल, इधर लाओ दम करा के लो पहले। लगाओ उसके नाक में तक लगाओ। क्या धम क्या दे रहा था उन्हें घर को, बाबा कहीं बुला रहे बोल रहे, कहीं को बच्चे कहीं बुला रहे, कैसे भाग रहे बाबा, आयल फेल बातें कर रहे मेरे बीच में और मीत के बीच में, कहीं बात कर रहे फोन में। अरविंद बात कर रहा था उन्हें घर में, घर में कर रहे उनको फोन में, फोन में बात कर रहे हैं, अरविंद बात करके फोटोज बताया था। जैसे खंडे ने उस दिन पुण्यम के दिन करे, उसका खंडे ने आ रहा एक दिन, दूसरे दिन बेहोश हो गया, पांच मिनट तक होश में था पूरा। क्या चल रहे मन मान यहाँ तोड़ने वालों को झगड़ने लगा, क्या है वो बेदबी करता कमीने, झगड़ो उसको और तेज से, बुलाओ झगड़ने वालों को। इंता माही गिलास में पानी डालो, गिलास में पानी डालो पहले। नहीं अरबी सीखा, जोर से बोलो। नहीं 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 हो, मैं मालूम कभी अरबी स्कूल को काम करने को नहीं। और तेज झगड़ो, शादी हो गए 8 महीने हो गया बाबा, बच्चे घर के पास ही थे हमारे। अरे नालायक, फोना कर रहे हैं, डरा रहे हैं। क्या चल रही है दास्तान, क्या है, क्यों परेशान कर रहा? इन्होना में बस इन्होना स्कूल लिख जाता हूँ, कोई बीच में नहीं आ सकता। किस स्कूल लिख जाता? अयुब को लिख जाता मैं। अच्छा, कहीं कोई बीच में नहीं आ सकता, वजह जबान काट दूंगा, अदब से बात करना लाया। मैं शहनशाह बनना हुई तो इसकी रूहानी होना है। अच्छा अभी तू किसके सामने बैठा मालूम है तुझे, खदे बाप का राज चल रहा वैसा, दुनिया तेरे बाप की है। हाँ कहे का बादशाह तो ना रहते, जहन्नुम में जाने का है, लोगों के जान शहनशाह होना है, बादशाह मैं हूँ, शहनशाह बनना है मुझे। अच्छा
क्या करके शहंशाह बनने वाला है तू? हाँ, इसकी रूहानी से मैं शहंशाह होने वाले। इससे पहले तेरे हाथा काट के ले रहा था ना, मुझे छोड़ दिया था ना, इससे पहले मौका दिया था ना बच के जा बोल के, फिर मेरी गलती है बकर, मैं मारा खाई हूँ जब, अब तो इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपनी नजरों से डरा दिया चारों पांचों, हाथ लगाने डरते थे। किसको डराया? सबको अभी तक हरिलाज वाले को डराया था बाबा, था नहीं ले जाना सुल्तान बाबा के पास। जोर से बोलो, सुल्तान बाबा के पास नहीं ले जाना, मेरे और उनके बीच में नहीं आना, नहीं आना, अच्छा नहीं रहता। मैं बॉस को भिजा दे तुम घर पे, मेरे बारे में नहीं मालूम तुम्हें। कौन सी खबर भेज रहा, सब कुछ जकड़ के मारने लगूं? हां, तेरे वजह से सब पिस जाएंगे। अब दुकान भी खाली करे बाबा, हाथा काट के लेने का सोच रहा हूँ, दोनों हाथा काट के लेके फिर तेरे बादशाह बनेंगे। फिर बोल, ले लू काट के, देखता लगाऊं अभी तेज से आग, भड़काऊं, भड़काऊं, चाहे जो कर, मैं तो लेके रहता हूँ उसको। अच्छा, बाबा का राज चल रहा, बाबा का राज चल रहा, तेरे बाबा की दुनिया है, मेरा राज चल रहा है। हाँ, झगड़ो उसको और तेज से, अब बुलाओ उसको संजीरा डालने वालों को। पर अरविंद बात करके बताने को चल, अरविंद बात कर रहा था बोलते तू उनके घर पे, बोल अरविंद। अपनी ताकत बढ़ा रहा था, कहीं को बढ़ा रहा था, अरविंद बात कर ताकत बढ़ती रहे। हाँ, अपने कबीले को पुकार रहा था, उसको उठा लेके जाना है। अच्छा, बात बता, तेरी उसकी क्या दुश्मनी है? थी दुश्मनी कुछ भी नहीं है, बस इसके रूहानी होना है। अच्छा भाई, क्यों इसकी मर्तबा अलग है? रूहानी कहीं पहुँचे कुछ, रूहानी बहुत ताकतवर है, अल्लाह के पास इसका मर्तबा अलग है। छोड़ बोल रहा, इबादत कर से, इबादत करके इससे दुआ करा रहा है मैं। छोड़ बोलता, दोनों हाथा काट के ले लूंगा, दोनों भी एक भी नहीं छोड़ूंगा, देखता जरा लगाऊ आंख तेजी से तेरे अंदर। बोल, लगाना है बाबा, कैसा नहीं जा सकता तू उसको दुनिया में, मनमानिया नहीं चल सकते ना ऐसे। हाँ, जब मारना तेरे को चालू करूंगा तो एक बार भी रुकने नहीं दूंगा, रोकने नहीं दूंगा कि उसको भी पूरा चिंदिया बना दूंगा मार मार के। तो इस वास्ते भी नहीं मारने लगाया था मैंने, जान दो वाला मुस्लिम बादशाह है मुसलमानों का, जिन्नातों का, बोल के तेरे को छोड़ के एक मौका दिए तो ऐसे मनमानिया करता, लोगों की आंखों में आके परेशान करता, लोगों की जाना लेता, बाप का राज चल रहा, अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे ऐसे? हाँ, तेरे मनमानिया चलेंगे, जवाब लिख देना पड़ेगा कम वक्त। बोल, दुकान भी खाली कर दिए, आगे भी खोल रही है, खाली कर दिए। हाँ, क्यों रे, तुमने बोला था हम दुकान खाली करो, करे थे ना हम दुकान खाली? हाँ, कर दिए। ये हाथ पहले काटने लगाऊं? इन होना है दुकान खाली करो वक्त पर, इन होना है तो बोला था ना, इन दुकान को नहीं आया तो अभी मैं तो इसके पास ही रह। अच्छा, ऐसा तेरे को मुहरम है, इससे अलग मैं नहीं रह सकता, मैं रहता हूँ बस इसके साथ ही। ताकत लगा पहले, तेरी पूरी ताकत लगा के बता, कितना ताकत कहाँ लगा, जोर से लगा, पूरी ताकत जोर से लगा, जोर से और जोर से, और जोर से, और जोर से लगा पूरी ताकत, जोर से लगा पूरी ताकत, लगा जोर से, इधर लगा उसके नाक में, जोर से जोर से जोर से, दूसरे नाक में लगाओ, इधर भी लगाओ,
झगड़ो उसके हाथों को तेज झगड़ो नारा करके दिखा झगड़ो तेज झगड़ो बादशाह तो मनवाया करता लोगों की जाना लेता बंदो उसके हाथों को बंदो उसको तेज बंदो उसको झगड़ लो उसके हाथों को तेज से इधर लगा उसके नाक में पीठ पे से लगा खड़ी रखी कि जो अरे ये ध्यान क्यों नहीं लग रहा इधर इतने से में डर रहा तूने घबरा रहा था पीछे झगड़ो उसको और तेज से तुझे जो चाहिए वो ले ले बंदो उसको और तेज से बंदो छोड़ दे बोल रहा क्या दे सकता तू मुझे तू जो मांगना है मांग क्या दे सकता हर किस्म की दौलत दूंगा तू मांग बस अच्छा क्या है तेरे पास तू जो भी मांग मैं हाजिर करूंगा क्या दे सकता हर चीज दे सकता हूँ दुनिया की तू मांग क्या है तेरे पास में हर चीज दे सकता हूँ बताना फिर बता सबको बता क्या है तेरे पास में बताओ कौन है बात करे सर का नया डरा अरे सुनो जी मैं बीच में बोल कई को बोल रहा बीच में देखो कमाल रिश्वत देता बोल रहा हूँ मुझे झगड़ो उसको और तेज से क्या दे सकता क्या है तेरी औकात बोल जो मांगे मुझे बोल हम क्या बोलेंगे हम तक हम कहीं को मांगेंगे तू बता ऑफर क्या है तेरे तरफ से दुनिया की हर चीज हासिल कर क्या दुनिया की हर चीज हाजिर सुनने नहीं आ रहा हूँ दुनिया की हर चीज हाजिर करूंगा अच्छा मगर नहीं होना ना हम जिंदगियां बचाने बैठे आले लोगों के अल्लाह के नाम पे बैठे इंसान और बंदा गंदा क्या देगा तू मुझे अल्लाह की जात है देने वाली इसको छोड़ दे इसको मैं बादशाह बना दूंगा नहीं इसको छोड़ दे मैं इसको बादशाह बना दूंगा मैं इसको बंदे का दिया पुरता नहीं अल्लाह का दिया सरता नहीं अल्लाह का दिया होना माँ को जजाया खैर अल्लाह से होना इसको बादशाह बना दूंगा मैं अपने दुनिया का बादशाह बना दूंगा मैं गलत है ना मतलब ध्यान नहीं ले सकता हर चीज अता करूंगा इसको लेके जाएगा तो अल्लाह मेरे से जवाब लेगा ना अल्लाह पूछेगा ना ऐसा कैसा ना इंसाफी हो गई बोलेगा फिर मैं कहां से जवाब दूं आपको तेरे मनमानियां चलेंगे जवाब मैं देते बैठू अल्लाह को हाथ छुड़ा दे बस बंदो उसको और तेज से बनो जकड़ लो उसको मुझे हाथा दिखा रहा था उन्हें दोनों हाथा उठा के बताओ उसको जरा किसके सामने बैठा उन्हें बोल रहे साहब आपके पास न ले जाना चाहे आले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने क्या औकात है इनकी बताओ इनको जकड़ो तेजी से और मुझे हाथा बता रहा था रे नालायक उठा के लगा ताकत खुलते का देखो लगा तुझे मुस्लिम जिन्ना था बोल के छोड़ा था ना मैंने तुझे कुरान सीख बोला था ना मैंने क्यों नहीं सीखा तूने कुरान अभी तक इसको दे दे मैं सीख जा क्यों आया तू उसके आंग में डबल से मेरा मकसद वो है इसको दे दे तूने मेरे को मांगना था तेरी बात इच्छा क्या इसकी रूहानी बना है बस मैं अल्लाह से मांगना था ये मकसद पूरा कर दे मैं अपनी दुनिया में चले भाई साहब नहीं दे सकते ना तेरे को रूल्स नहीं है शरीयत के भाई तो लेकर ही जाऊंगा शरीयत के खिलाफ जा रही हो बात शरीयत बीच में कौन आया उसको खत्म कर दूंगा मगर इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा तेरी नालायक
इसको एक बार जवाब देने दे मुको मुझे लेके चले जाऊंगा। हर रोज इससे बात कर रहे होगा, जवाब नहीं दिया, अगर एक भी बार जवाब देगा ये लेके चले जाऊंगा। बस मुझे पुकारे, बस मैं जो बात कर रहा हूँ उसको जवाब नहीं दे रहा है, ये किस दिन जवाब देगा उस दिन जगा के चले जाऊंगा। उसके हाथ को जरा तेज से जकड़ो, बेअदब के हो, क्या भी करो मैं इसको तो लेकर ही जाऊंगा। किसके सामने बात कर रहे हैं? तेरे सारे शहनशाह लोग गुलाम है मेरे पास में, तेरी क्या औकात है बोल। तेरी पूरी फौज को जकड़ के खत्म करने लगा दूंगा, पुशैरियां करेंगा तो ज्यादा ना लाया ला या रहमतुल्लाहुम अल्लाह या रहमुन्नास। अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं कर रहा तू तो अल्लाह तेरे पे रहम नहीं करेगा। तू इस तरह जकड़ते मर जाता है, छोड़ दे जकड़ो इसको, तेजी जकड़ के रखो उसको, मर जाता हूँ, आसान टूट जाते इसके, छोड़ दे बोल। तोड़ने लगा देता हूँ, जकड़ो उसको और तेज जकड़ो उसको, लगा भी तर तरह खत्म कराने, खत्म कर देता हूँ इसको। बाबा के पास मैं लेके जाना बोल के ना, अब लेकर देखो क्या करते हैं, फोन कर रहे थे ना, और ऐसा बोल रहा था मेरे पास, मुलाकात कर लेते हैं फिर आने के बाद जैसे ही अटैक कर दे घर पे जकड़ के रखो उसने दिया भाई जकड़ लो क्या दुखते से मैं तो फोन में देख रहे थे बाबा यहाँ पर गल्ला मत दे तो बीच में आई तो इसके और मेरे बीच में आई तो अब बाबा का नहीं हूँ मैं अगे बंदो उसके हाथों को और तेज से बंदो लाओ जंजीरा बाहर से उसके हाथों को तेज से बंदो बंदो उसके हाथों को और तेज से बंदो छोड़ने का हुक्म नहीं दिया मैं तेज से बंदो बुलाओ जंजीरा वालों को तेज से जंजीरा कसो उसके ऊपर जुलूम दे रहा उन्हें लोगों को मुस्लिम बादशाह तो क्या हुआ उन्हें जुलूम दे रहा बंदो उसको जंजीरों से बंदो उसको छोड़ो मत उसको बंदो 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 यहाँ तो उसके बनने की तैयारी करो इधर लगाओ उसके हाथों को जल्दी दम करके लो जकड़ लो उसको, जकड़ो उसको,
जैसा नहीं लग रहा ना रे क्या हम रख जगह झगड़ा उसको दिल से बंदा लो उसको और तेज बंदा उसको जकड़ के जकड़ लो उसको और तेज जकड़ो ने जुलम दे रहा उन्हें इंसानियत को जकड़ो उसको तेज से उसको ये नहीं मालूम सारे बादशाह को यहाँ के पानी भरना पड़ता जकड़ो उसको और तेज से दिया था मैंने उसको एक मौका बचने का बांधो उसको और तेज से बांधो जुलम दे रहा उन्हें लोगों को क्या रे लोगों की जाना लेता तू बड़े बड़े बात कर रहा हाँ लगाओ उसको इधर अब उसके पेट में से भी आग लगेगी जकड़ के रखो उसकी जल्दी से जी بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا يوم تردف الجبال كانت الجبال غضبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعاد فرعون الرسول فأخذنا خدما بلا فكيف تتقون إن ربكم يوم يجل البيت ثاني شبه صمتهم كان ودوا مفعول إنا هذه إنا هذه طالب أفهم شيء تخم بالصبيلة إنا ربنا من القرآن لمن سيكون منكم ما غضوا وآخرون يضربون في الأرض ابتغوا من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فرمت يضربن أقموا الصلاة وآتوا الزكاة وأخرجوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير قدير عند الله خيرا وأعز ما جوزت لكم بني الله غفور رحيم وإن تمعي وانت معي من اين انت شكرا اسكو اور تیز سے
परेशानी मत कर, साथ में रहना है रहे, मगर जुलूम मत दे बोला था। फिर तू कैसा जुलूम दे रहा था उसके घर में आके, अरबी में बातें कर रहा था वो बच्चे ने कभी जिंदगी में अरबी सीखा नहीं, और देखो कैसा रहता आंग में आके उन्हें अरबी में बातें कर रहा था, उसको अरबी आती तो चलो ठीक है, और घर में क्या क्या परेशानी कर रहा था सुना पूरी दुनिया को अरबी में बात करके बहुत जल्दी। हाँ बोल, दो तीन बार अटैक कर रहा है उसकी। मैं इसके साथ रहता हूँ, भरोसा नहीं ना तेरा, तू जान लेता बोल रहा ना। एक मौका दिया था मैं, तू मुस्लिम जिन्नातों का बादशाह है, इतना बड़ा बादशाह होके मनमानिया कर रहा, हाँ शहीनशाह बनने का लोगों को जाना लेता, देखा अल्लाह के कलाम की ताकत कैसी रहती। तो इसकी जान लगे मैं नुकसान नहीं कर रहा, बादशाह बना के रहा, जान तो नहीं देते, जान का नाम लिया कि तेरी खाल उधेड़ने लगा दूंगा पूरी, तेरी नालायक बन के डालो उसको जंजीरों से। और इन मेरे साथ नहीं रह रहा, फिर जिंदा रहे तो हरगिज मैं इससे बात नहीं कर रहा, कितने भी बार बुलाया हरगिज बात नहीं कर रहा, मेरी हर बात नहीं सुन रहा है, कब जब भी मैं बाहर लिख जाने की कोशिश कर रहा हूँ इन आ रहा नहीं, इन बातिश नहीं कर रहा, हर रात भर मैं बात कर रहा हूँ इन जवाब तक नहीं दे रहा, बस इस ये बात करे मैं से। क्या बात करेगा उन्हें तेरे से, मेरे से बात करना, मैं हर सवाल का जवाब देते रहे बस, कई को बात करना चाह रहा तू उससे, इन पसंद है मैं इससे बात करना है, इन्होंने फिर हमको तेरे दोनों हाथा पसंद है, तेरे दोनों हाथा हमको ना काट के ले लेते हम, हाथ पकड़ के खींच लिया कर के बाहर। और बीवी को ढक ले इतने मनमानिया, कहां गड़े आ रहा है खजाना, कौन से खजाने पे कबाश है, दुकान का हिफाजत कर रहा, कौन से एरिया में हो, मनमानिया चल रहे से दुनिया में, दुनिया किसकी है, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा ना, कौन देगा अल्लाह को जवाब, तू मनमानिया करेगा और मैं जवाब दूं, हां मैं तो नहीं तो इससे बात कर, बोल मैं थोड़ा काम है, मैं इसको ले जाता हूं, क्या काम है, काम है इससे, मैं कौन से एरिया का बादशाह है तू, हां कहां है उगड़े वाला खजाना, उसकी हिफाजत कर रहा तू, कौन सा खजाना है, बोल, सोने का खजाना, कहाँ पे हो, वहाँ जमीन में गाड़ के, कितना है वो, कितना है वो वजन, कितना है उसका वजन, बहुत है, कितना, बहुत वजन है, माप नहीं सकते, क्या है वो, घर अंदर गड़ा हुआ है, मैं जाना है इसको, क्या क्या है उसके अंदर और चीजा, बस सोना ही, और हीरे अशरफिया कुछ है, अशरफिया है और सोना है, हीरे तो नहीं है, अच्छा तो गोल्ड पे का बादशाह है तू, कौन सोने पे बैठे आला खजाने पे, मैं मान्यता था बस उसको, मैं खजाने को बन, खजाने को पाना हुई तो होना है, मैं कैसा तू हाथ नहीं लगा सकता इंसानों को, तेरे बाप की दुनिया है क्या, खजाना होना है, मुझे शहंशाह बनना है,
तो ऐसा अल्लाह को मांगना था, तू अल्लाह देता था तेको शहनशाह, फिर सारे शहनशाह यहाँ पानी भरते, देखा ना, फिर मुस्लिम रंदे या खबीस रंदे पूरे बादशाह लोगों के यहाँ के झुकना पड़ता अल्लाह कलाम के सामने। वो खजाने से मैं हर जिन्नात को अपना गुलाम बना सकता हूँ, मैं इसको ले जाता हूँ बस, इसको बादशाह बना के रखता हूँ। ले जाना तेरे हाथा काट लूंगा मैं, अगर ज्यादा जला लगा। अच्छा देख ले तो मैं सही सच में बोल रहा हूँ, तेरी से आंख देखता भड़कूं। तुम बात मत करो दीदी, क्या खजाना होना, तुम लोगों की जाना लेता तू। हाँ मुझे बोलना था यहाँ से दूसरी फौज भेज के देता था मैं, देखा ना कैसी फौज है मेरे पास, तो अल्लाह कलाम की ताकत देखा नहीं देखा क्या, और दिखूं डबल से नहीं देखा, देखा क्या नहीं देखा, देखा देखा के दिखूं डबल से, और तू बादशाह है तो क्या लोगों पे जुलूम ढाता वैसा, मैं इसका नुकसान कुछ भी नहीं करता, मैं अच्छा बस वो खजाना निकाल, क्या करना तेरा वो सोच रहा हूँ मैं, तुझे बाटल में डाल के जमीन में गाड़ देना क्या, फिर तू खयामत तक के वास्ते बैठ बाटल के अंदर कमी है, क्या करना तेरे क्या टुकड़े करके तेरे भस्म करा दू तेरे पूरा, कि तेरे को बंद के डाल दू कहीं, कैद करा दू कहीं पे, वो सोच रहा हूँ मैं। बोल क्या फैसला तू, तेको एक मौका दिया था ना इससे पहले मैंने, हाँ दिया नहीं दिया, फिर तो क्या मेरे को ऐसा समझा नींबू काटने वाला समझा था क्या, मस्जिद में का मौलवी का मंदिर में का पंडित समझा, नालायक मनमाना करने को बोल। वो खजाना निकले बाद इसके पास नहीं आता, वो खजाना ही निकले बस, और क्या करता तू लेके, वो क्या करने वाला है, हर चीज को अपने ख्वाबों में करना, मेरे को बोलना था ना मैं देता था ना तेको एक मिनट में लिख के यहाँ से, तेरा हो जाता था माल का ना, तेरा हो जाता था उसके ऊपर मैं लिख के देता, तू वैसे सारे चाबी मेरे हाथ में, मैं सोच रहा तेरे हाथा काट के ले लेता हूँ, फिर तेरे को सब देता हूँ, दे दो नहीं मेरे को हाथ कुछ भी नहीं कर सकता मैं, दोनों हाथा ले लेता हूँ, तू उनके घर में सताया क्यों जाके, मेरे को ये बोल तू बस, मेरे को बात का जवाब होना, मैं इसको लिख जाना है दिन रात में 3 बजे निकल के बढ़ जाते थे, और आप रात में 3 बजे चिल्लाना चालू करते हो, 3 का एक नोरी गले में के पैर का हाथ का निकाल दे रहे, निकाल ले रहे बस, बड़ी चीज में ये नमक बढ़िया टेस्ट है, निकाल सुबह के नीचे एक उधर एक इधर एक फेंक दे रहे, घर में रहना बोल रहा डर हो रहा है, क्या करना अब मैं इसका, वो सोच रहा हूं मुस्लिम बादशाह है इसको मौका दिए नहीं करना बोल के, तो उन्हें फिर मनमाने जबरदस्ती पे थोप दिया, जुलूम कर दिया, वैसी बात नहीं होना बोल के मैंने उसको मौका भी दिया है, और रात के टाइम भी नहीं जुलूम कर रहा जी सर, तो क्या दू फैसला बोला, आपके हाथ में हमारे घर वाले परेशान है, ये परेशान है, पूरे घर वाले परेशान है सर, मैं खजाना ले बाद इसके पास नहीं, करने वाला क्या है वो लेके, क्या जरूरत थी तुम्हें को आके बोलना था ना, क्या बोला था मैंने मेरे सामने हजर उमान जो भी हमें को बोलना, तो तुम्हारे के शहनशाह को उसके ऊपर की गद्दी देता था ना, मैं तेरे को इसके पास आने का मकसद मेरा वही है, मैं इसको ले जाना, देखा ना यहाँ सारे शहनशाहों को सबको बन के मारते, तो इतना बड़ा बादशाह है तेरी क्या औकात है, यहाँ पे देख लिया तो कितनी फौज है तेरे पास में, बहुत छोटी है, कितनी है फिर भी, कितनी है गिनती के हिसाब से, कितने कितने जिन्नात है, कितने लाख, 10 लाख, 50 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1,000, 2,000, 500, 100, 50, कितने, 15 लाख, 15 लाख की फौज, बस 15 लाख की फौज लेके इतने मनमाना कर रहा, सबको डालने लगा तो कैद खाने में, बोल इसके लिए काफी 15 लाख की फौज, किसके लिए, उसके लिए, किसके, अय्यूब के लिए काफी, अय्यूब के लिए काफी होंगी, मगर तीर को कई को होना, तीर को और कई को बढ़ाने का फौज, क्या करने वाला है बढ़ा के, जंग करने वाला है बड़ी, हाँ लोगों को जुलूम देने वाला है, ऐसा जाना लेने वाला है लोगों के, जिन्नातों का शहंशाह बनना है,
सारे कबीलों को खत्म कर, सारे कबीलों पे नहीं जमता ना बस अल्लाह की दुनिया ना मनमानिया नहीं छत ना ऐसे। फिर वो सब लोग मेरे पास आके बोलेंगे ना मेरे को नहीं मनमानिया कर रहा, फिर तेरे को बंदे में उगाड़ देना पड़ेगा जमीन के अंदर, फिर क्या होगा तेरी आज़ादी छीन लेना पड़ेगा, तू दूसरों की आज़ादी छीनेगा तेरी आज़ादी छीनने का मेरे को फरमान मिलता फिर बोल। नहीं कर सकते मनमानिया, दुनिया हमारे बाप की नहीं है, तेरी भी नहीं है मेरी भी नहीं, अल्लाह की दुनिया है। मैं तेको ज्यादा इस वास्ते मारने नहीं लगाया, तेको अभी चिंता करने लगा देता था पूरे, मगर तू जाके बोलेगा कि मैंने जुल्म करा तेरे ऊपर फिर सब लोगों में। मैं उन लोगों पे जुल्म नहीं करता, बस सारे कबीलों का शहंशाह बन गया। तेको कुरान याद कर बोला था ना, तू कुरान पढ़ना चालू कर देता था तेको अल्लाह के हुक्म से तेरे दर्जात बुलंद हो जाते थे। क्यों नहीं सीखा तूने? और तू सारे कबीलों का बादशाह बन के करने वाला क्या है? तू मनमानिया करते फिरने वाला है, हुकूमत करना अच्छा लगता। हुकूमत कब तक नहीं, कभी ना कभी तो फना छोना है ना, हयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े रहना है। कुरान सीख, इबादत सीख, आखिरत का सौदा है ना, फना होगा तो क्या करेंगे फिर बाद में? इसको दे दे, मैं इसके साथ सीख लेता हूँ सब। कई कुछ सीखता उसके साथ, कैसा नहीं जाता तो अभी मारना चालू करूंगा पूरा, चिंता करा दूंगा नालायक। इसको दे दे, मैं किसी को नहीं सताऊं। खैर अभी तो मारने लगा तू, क्या कर रहा तू? मार के साथ मिल जाने की बोल रहा, नहीं ले जा सकता तू बंदा, रहो उसको हमेशा के वास्ते बनो। छीन ले रहा हूँ तेरी गद्दी, छीन लू तेरी बची कुची बादशाह छीन लेता, तेरी पूरी फौज ला लेते मेरे पास में, और तेरी फौज हो जाती शामिल मेरे फौज में। नहीं कर दूं फौज को इधर ला के, नहीं 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 तो बाकी ला करके छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पूरी शामिल कर लो इसकी फौज की, ले लू। नको नको ले लू, नको करेगा मनमानिया? नहीं करता, लेगा उसकी जान। हाँ नहीं, तेरी पूरी फौज ले लेता हूँ फौज के पास। नको नहीं नहीं, ले लेता उन सबको पकड़ के, ले लेता उन सब तू मेरे अंडर में ले लेता। तू क्या बोलते तो अकेला फौज को कुछ भी नहीं, मैं नहीं माना मैं, नको तो अकेला फिर अकेला नको अकेला दुनिया में फिर ना लाया। तेरा बाप का राज चल रहा, तू अल्लाह ने इतनी बादशाहत दिया, तू मनमानिया कर रहा बादशाहत लेके, शुक्र अदा नहीं कर रहा उसका, जितना भी उतने में शुक्र अदा करने का ना अल्लाह का। बोल दे लू, भेजू अभी यहाँ से सबको। नको नको लिंगा किसकी जान दुनिया में दोबारा मारेगा? किसको मारेगा? बच्चे को? बोल जल्दी बोल, वक्त नहीं है मेरे पास। तेरी फौज कौन है? पूरी फौज मुसलमान ही का उसमें सब खबी सा भी अंदर। हाँ फौज को कुछ भी नहीं मानो, कौन से हो किसको मानते हो? कौन से पैगंबर को? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हाँ जुलूम देने लगा रहा हूँ क्या से? तुमको स्वाद मौका दिया था मैंने बचने का कि तू क्या बोलते हो मुसलमान जिन्नात का बादशाह है, ऐसा गलत है ऐसा, मुझे बार बार गुस्सा नहीं आना, मेरे को गुस्सा आएगा ना देख मैं तेरा बहुत बुरा हल करके छोड़ दूंगा, फिर सारी छीन लूंगा तेरी पूरी गद्दी फिद्दी सब ताज तख्त सब छीन लेंगे तेरा। अब भी हुक्म देते छीन लेते सब, दूसरे को मुकर्रर कर देता मठाया फौज में से एक को मुकर्रर करके ऊपर भी डाल देता, नीचे ला लेंगे उतार के गद्दी से। दे दो हुकुम, नको नको बादशाह नको, छिल लेगा ना क्या करने का तेरे जैसे? नहीं 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 बादशाह मुझे ही रहा, 15 लाख जिन्नातों का मां बादशाह रह के तू ऐसे मनमानिया कर रहा, इंसानों की जान लेता बोल रहा, तू इतनी बड़ी बादशाह दिया अल्लाह ने तो उसमें भी मनमानिया करता बोल रहा, शुक्र अदा नहीं कर रहा अल्लाह का, नालायक जिन इबादत कर अल्लाह की, 15 लाख की फौज भी कम नहीं होती, करा दू क्या पूरी भसम? नको नको तो मैं तो सोच रहा हूँ उन सबको इधर ही ला लेना पकड़ के, यहाँ शामिल कर देना मेरे इसमें, तू फिर उधर अकेला। नहीं 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 हाँ अकेला नहीं रह सकता, मेरे अंडर का बादशाह बनाया था ना मैंने, बोला था तेको जी हाँ नहीं बादशाह रहना हमेशा, नहीं मैं तेरी बादशाहत को भी छीनने लगा दूँ बादशाह को ना, फिर तू क्या है बादशाह छीन लिए तो फिर तू अकेला फिर जम लो चाहे कुछ भी करो मगर बादशाह को ना, तू शहंशाह बनने का बोलते ना तेरी बादशाह छीन दो फिर तू अकेला फिर जंगलों में देखेंगे तो कौन बनाता शहंशाह को, तेको बोला था ना कुरान याद कर अल्लाह की इबादत कर तो फिर तेरे को क्या है अल्लाह तेरे दर्जों को और बुलंद करता था, और बुलंद होते थे तो तू क्या है बड़ा बादशाह था शहंशाह बन जाता था, क्या ऐसी हरकत करेंगे तो तेको एक सिपाही भी नहीं बनेंगे नाला पूरा झगड़ा के खत्म कर देंगे। मैं तो सोच रहा हूँ तेको गद्दी से हटा देना, तेको सजा देना, दूसरे को बिठाना कहीं थी उस पर मेरी गद्दी में कुछ
लेकिन फिर तो कथा मारते चलते फिरते थे, रिच फोर्स कथा लाता मार देते, वो देखी नहीं गेस्ट कद्दी से हटाने के बाद तोड़ो वहां था। नहीं छोड़ दो, नहीं कैसा छोड़ेंगे फिर कैसा ना शुक्रा, तू अल्लाह का बंदा है रे नालायक, तुझे क्या बोलूं, तुझे जिन और इंसान को दोनों को अल्लाह ने इबादत के वास्ते बनाया वाला है, और ऐसे कैसी तू क्या बोलते, तू इतनी बड़ी बादशाह पर है कि मनमाना कर रहा, एक और शहंशाह बनने का है, ऐसा नफसी नफसी चल रही है आलम। हाँ तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाथा छोड़ दियो जल्दी, सुने नहीं आ रहा मुझे, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, छोड़ दियो हाथा छोड़ दियो, सुने नहीं आ रहा मुझे, क्या करना, क्या बोल रहा, तीस इस जकड़ू तेरे हाथा, नहीं 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 छोड़ दियो, तोड़ने लगा दू, नहीं रिहा कर दियो यहाँ से मुझे, यहाँ से रिहा कर दियो जल्दी, मैं अपने फौज के पास जाता हूँ, कभी भी नहीं आता, जल्दी हाथा छोड़ियो, नहीं हो सकता, अपने फौज के पास चले जा रहा हूँ हमेशा के लिए, चले जा तू, छोड़ दियो जल्दी, हाथा टूट जा रहे मेरे, तेरी फौज भी गुलाम है मेरी, बोल अब क्या करना, देखा ये ताकत है अल्लाह ने दिया है, आले रसूल ऐसे रहते, देखा नालायक, कोई औकात नहीं तेरी, छोड़ दियो आता नहीं हो सकरा में से, चले जा तो मैं अपने फौज के पास चले जा तो, कभी भी नहीं आता, छोड़ दियो जल्दी जल्दी, आता काबरे मेरे दर्द से, छोड़ दियो जल्दी, कैसा करना वो सोच रहा हूँ, कुछ मौका देना नहीं देना, तू दोबारा फिर बच्चे के आंग में देगा, दोबारा फिर उसके घर में परेशान करेगा, तुझे कैसा छोड़ना, क्या करूं बोल, मैं अपने फौज के पास चले जाता हूँ, इतनी फौज दिया तेरे को अल्लाह ने 15 लाख की टुकड़ी, और तू नालायक उतना बड़ा बादशाह कैसे मनमाना कर रहा, मैं इसके पास कितने कभी रहे तेरे अंडर में, फिर 15 लाख बोले तो कम बखत, कम थोड़ी हो रहे वो, शहनशाह कौन तेरे, देखा नाम बोलूंगा मुझे बोल, शहनशाह मैं मेहमान बोल, सही से बोल, मैं तो पूरा खत्म कर दूंगा, शहनशाह मेहमान हूँ, शहनशाह को बुला के लेता हूँ, दूसरी बात तेरी टुकड़ियों को खत्म करने लगा था, नको नको, मैं तो तेरी टुकड़ी मेरे शहनशाह के पास, नको तेरे टुकड़ियों को गुलाम बना, नको नको नको, शहनशाह के पास नको, शहनशाह को बोलिए ना उनके पीछे बगावत कर रहा, तो इसी उनकी नको नको मान यहाँ चल रहे तेरे, किसको भी नहीं मानू मैं, मेरे फौज को नहीं मानू, किसको नहीं मानू ये बात, क्या करना होगा, अभी मुसलमान बादशाह रह के मन माया कर रहा, मुझे तो समझ में आ रहा है, क्या फैसला दूं इस पे, बादशाह को फरमान निकालू, शहनशाह को यहाँ से भी, मैं तो पूरी तेरी टुकड़ी को बुला के यहाँ ले लेता हूँ गुलाम बना के, मैं मेरे फौज में शामिल कर देता हूँ, मैं इसको छोड़ कर चले जा, तेरा शहनशाह जो है ना वो भी मेरे पास गुलाम है, तूने दरबार में जाके पूछा नहीं दिखता उसके, दुनिया में तू मनमाना कर रहा लोगों के, हाथ छोड़ दे, मैं नहीं आता कभी भी, सुनने नहीं आ रहा मुझे, मैं नहीं आता कभी भी, नहीं आता इसके पास, सर्विस नहीं आता, नहीं आता मैं, इससे पहले मंत्री को एक मौका दिया नहीं दिया था, ये मेरा पक्का वादा है, मैं नहीं आता, इतने तकलीफ के बाद मैं नहीं आ सकता, इससे पहले मंत्री को कोई तकलीफ नहीं दिया था, खाली तेरे पकड़ रहे थे हाथा तोड़ने, तो मैंने बोला था छोड़ दो, इन्हें मुस्लिम बादशाह है छोड़ दो अल्लाह के हुकुम से, तेरे को आजाद कराया था, मैं चले जा बोला था अपनी रियासत में वापस, फिर तू आके उसको मनमाना कर रहा, फिर तकलीफ आ दे रहा, लोगों की जान आली जाता हूँ बोल रहा, खजाने कहते वारे कमाल दिख रही तेरी मेको, अब देखा कैसी मार पड़ती है अल्लाह कलाम से, तो मनमाना करने वालों को जालिमों को, जाएगा बाबा पूछे एक बार,
अरे दुल्हन को खरीद क्यों नहीं आंदरा से? हाँ क्यों नहीं आंदरा? नजदीक है तो तुझे दखली हो रही थी, अब तू करेगा वैसी हरकत? नहीं तो कीड़े चढ़े चला देता हूँ, कोई हाथ नहीं लगाने इसके जिसम को, कोई हाथ लगाए तो एक चीड़ उठे। अब करेगा वैसी हरकत? अब करेगा वैसी हरकत? मैं नहीं आता इसके पास। हाँ नहीं आता इसके पास। अब तेरे सारे बादशाहों पे शहनशाहों पे शहनशाह कौन है? किसके गुलाम है तेरी बातें? शायद मेरे गुलाम है। बोल किसके गुलाम है? सैयद टीपू सुल्तान की। सैयद टीपू सुल्तान? तू किसके अंडर का बादशाह है? सैयद टीपू सुल्तान की। बोल सैयद टीपू सुल्तान का बादशाह? सैयद टीपू सुल्तान के। सैयद टीपू सुल्तान के अंडर में? के अंडर में अल्लाह के फजल से। अल्लाह के फजल से मैं गुलाम हूँ। गुलाम हूँ। और मेरी मेरी 15 लाख 15 लाख जिन्नातों की फौज भी गुलाम है। गुलाम है हजरत के पास। हजरत के पास मनमाने हाथ छोड़ दो पहले खोलना जरा। खोल सकता है? छुड़ा के देख पहले। बहुत हटाना चाह के दिखा रहा था तू। ये अल्लाह कलाम की ताकत है, ये नहीं छुड़ा सकता। पहले छोड़ दो। हमारे घर पे धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहा था उन्हें? फौज भेजता बोल रहा था। बहुत तकलीफ दिया। सुनो एक जना कोई भी एक बात करना, चार पांच करो, समझ में नहीं आ रहा। अरे और क्या बोल रहा था? देखो अगर हर दिन रात में 3 बजे आता हूँ, पूरा आकड़ के बैठ जाता, वाला को परेशान कर रहा, सबको परेशान कर रहा हूँ। हर दिन रात में आके बात करता, बाहर चल बोल के बोलता करते। इन्हें बाहर जाने तड़पते रहता है ना, उठ के 3 बजे बड़े बड़े आवाजों से चिल्लाता हर दिन रात में। चल बोला करेगा मन मानिया दोबारा बोला। आखिरी मोड़ पे पता लगा तो अगर एक झटका दे तो पूरे टूट जाएंगे सब फसल। नहीं 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 करता। हां नहीं करता। करेगा मन मानिया? नहीं करता। जाएगा उनके घर में? अब देखा ना कैसा जला ले तो। और देखो तेको थोड़ा देखता हाथा का दम चले जा रहा ना आपको। देखता और नहीं 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 ولن نشرك بربنا احد احد ولا نضم احد ولا نضم احد ولا نضم قل إنما ربي ولا أشرك به أحد قل إنما ربي ولا أشرك به أحد قل إني لا يا يا يا
جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا ارمدنا فصي على من حملنا ذكرنا قلوا ادى قلنا لاقرب ما توطنا من يجي الله بها مدار والغلب فلا يذر الله غيب احد فلا يذر الله غيب احد الا من ظلم الرسول فانه يظلم بينه ويظلم بينه ويظلم بينه ويظلم بينه ومن خلف الرسول ليعلم قد ابلغوا لصلاه رفض حتى في مرض مصر كل شيء نتاد लाओ उसको पानी से पेट में से आग लगाओ नहीं मैं चले जा तुम रो नको बोल रहा पिलाओ पिलाओ उसको जल दे जरा लोगों को तकलीफ आ दिया तो उसको मालूम होना ना क्या रहता तकलीफ मिलाओ उसको जल दे जलाओ उसके पेट में से आग लगाओ तेज से चलाओ देखा नहीं कभी भी नहीं आता मैं हरगिज नहीं आता मैं निकाल दियो मैं हरगिज नहीं आता बोल रहा मैं चले जाता मैं जाता जा तू मैं हरगिज नहीं आता कभी भी नहीं आता सही बोल रहा सही बोल रहा मैं नहीं आता हरगिज नहीं आता वहां तक पहुंच खींच के देता हूँ अगर तू नहीं 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 मैं तो सोचा था बीच फौज साथ में भेजू मेरे पास की खतरनाक सबसे मैं बनाती हूँ पकड़ के सबका फिर करेगा मन मान्या मारेगा कोई इंसान को नहीं मारता चल कौन से खजाने पे की हिफाजत कर रहा तू कहाँ है वो खजाना बोल बाजू में है वो जगह जगह में गाड़ के कहाँ पे कौन से जगह में इसके दुकान के बाद दो दुकान के बाजू में खाली जगह है अच्छा कौन से साइड में वहाँ पे कौन से साइड में दुकान के बाजू में जो जगह है तो जगह के कौन से कोने में है वो राइट साइड में राइट साइड में राइट साइड में कहाँ पे उधर पीछे कोने के तरफ में ये जगह मालूम क्या देखो सही बोल रहा क्या मैं राइट साइड कोना याद रखा जो जगह का निशान दे कर रहा हूँ निशान याद रखो हाँ राइट साइड में कहाँ पे पीछे के तरफ वो पीछे जो दीवार में थी दीवार के थोड़ा इधर तरफ रह जाती अच्छा कितना नीचे कितना खोदना पड़ता उसको उसको 20-25 फीट अंदर खोदना तो बौड़ी बना रहा क्या नाला है 20-25 फीट खुदा के हाँ वो आपका नहीं होता खजाना बहुत पुराना साल कब का कितने साल पुराना है वो 500-600 साल पुराना कितने साल 500-600 साल पुराना जोर से 500-600 साल पुराना 500-600 साल कितने नीचे कितने खोदना पड़ता 20-25 फीट खोदना 25 फीट क्या है नीचे संदूक है लारियां है क्या भर के रखे अलग वो खतरों की जगह है खतरों की जगह है खतर भर के है पूरा हाँ उसके बाद उसके अंदर है तो नीचे कई के अंदर रखे अलग रंजन में संदूक में है कई में उसके अंदर नीचे भी पकड़ है उसको पर पूरा डाल के खुला डाल के रखे अलग खुला डाल के रखे इसलिए मैं गया अच्छा सही बोल कितना फीट खोदना पड़ता सही सही बोल सही बोल रहा ना 20-25 फीट आप तो झूठ नहीं बोल जगह कौन सी साइड में हो राइट साइड में अच्छा अब दोबारा कोई इंसान की जान लेना नहीं कोई इंसान को परेशान करना नहीं उसको भी परेशान करना नहीं देख लिया ना अल्लाह कलाम की कैसी ताकत रहती तो अब जा और जाके कुरान याद कर और दोबारा उसके आंग में दिखू मत मुझे तौबा कर जल्दी तौबा कर जोर से मैं तौबा कर रहा हूँ अरे सुने नहीं आ रहा मुझे तौबा कर जोर से मैं तौबा कर रहा हूँ इसके पास कभी भी नहीं आता तौबा बोल जोर से बोल तौबा जोर से तौबा पूरी ताकत से हाँ और जोर से तौबा इसके पास कभी भी नहीं आता मैं और जोर से तौबा इसके पास कभी भी नहीं आता मैं चल अब निकल जा भाई और बादशाहों के तेरे ऊपर सबके ऊपर बादशाह मेरे को दिया अल्लाह ने बादशाह नालायक देखा ना किसके अंडर में गुलाम है तू जब भी आवाज दूंगा मैं हाजिर होना जो भी हुक्म दिया उसकी तामील करना क्या नाम था इसका पहले बादशाह शमशुद्दीन जिन्नातों का बादशाह है तो तेरा नाम क्या है
शमशुद्दीन, बादशाह शमशुद्दीन, जब भी मैं आवाज दूंगा बादशाह शमशुद्दीन हाजिर हो, बोले के हाजिर होना, जो भी हुकुम दे उसकी तामील करना, कोई इंसान की जान नहीं लेना, कोई खजाना कोई दौलत कोई चीज कीमती नहीं है, इंसान की जान कीमती है दुनिया में अल्लाह करम से। चल भाग तो तौबा कर, अब दोबारा इसके पास आना नहीं और दिखना नहीं, कोई हरकत से उसको परेशान नहीं करना, नहीं तो अभी तो तूने खाली जरा सा ट्रेला देगा, बाद में जलाल देखना तो मेरा पूरा खत्म करूंगा। हाँ, और दूसरी बात उसके बीबी के भी नजदीक जाना नहीं, उसके बीबी को परेशान करना नहीं, समझ गा, और मियाँ बीबी में दोनों में झगड़े लगाना नहीं, कुछ नहीं। चल अब भाग, चल खोलने लगाऊं, चलो उसके जंजीरा खोलो और उसको अल्लाह के हुक्म से एक मौका दो, उसको मुस्लिम बादशाह है उस वक्त उसको मौका दो। चल जा शमशुद्दीन, चले जाओ उसको छोड़कर, जा अपनी रियासत पे अपनी गद्दी संभाल, मैं तुम्हें तेरी गद्दी छीन लूंगा, दोबारा परेशान करा उसको तो। शमशुद्दीन चल जा अंदर, अरे अय्यूब क्या हुआ, सवाल जवाब कुछ याद है नहीं, आप भी हो याद है क्या हुआ था? हाँ जोर से बोल, और क्या बोलते, तो वो अभी आया था तुम्हारे आंग में बादशाह शमशुद्दीन जिन्नातों का, उसने बोल के गया कुछ तो भी चल रही थी उसकी खिचड़ी खजाना निकालने की करने की, उन्हें वो लेके माल उन्हें शहनशाह बनने आ रहा था करते साथ में ले जाके मार के, वो उन्हें बोल रहा था बाबा उसको, मैंने बोला ऐसा करना नहीं हरकत, इंसानों को जाना लेना नहीं दुनिया में, अल्लाह के हुक्म से दुनिया तेरे बाप की नहीं है अल्लाह की है, मनमानिया करना नहीं, निकाल के उसको भेज दिए। अब उसको बहुत मार पड़ी, पहले तो भी उसको मारे नहीं थे, पहले उसको खाली पूछे थे, मार मार लगा उसको दना था, खुद निकल के भागा अपने आता बोल के। और दूसरी बात, तुम्हारे तुमने कभी अरबी बोलना सीखे थे क्या, तुमने कहीं स्कूल में ट्यूशन लगा के? मैं कभी नहीं सीखा, अरबस्तान को गए थे क्या काम करने? देखो देखो ऐसा रहता, उसके आंग में जब आया उन्हें तो उन्हें अरबी में बात कर रहा था, अरबी में पहले पहले उनके घर पे बोलते, बाद में यहाँ पे भी आगे थोड़ी अरबी में एक एक वर्ड बोल रहा था, एक दो मगर बोला नहीं पूरा, अब उसको तो अरबी नहीं आती, हो गया यहाँ साइंस फेल, बोलो फिर उसको अरबी नहीं आती तो फिर कैसी अरबी निकल रही उसके जबान से, उसके अंदर बैठा अरबी में बात कर रहा था। तो ऐसा रहता हर चीज है, कैसा नहीं है, खाली इतना है कि वहां तक साइंस अभी पहुंचा नहीं हो दर्जे तक, साइंस अभी जूनियर के जी में है, भी उसको ग्रेजुएशन इतने मालूम क्या है, तो जब ग्रेजुएशन होगा तो उसको पता चलेगा शैतान है भूत है अल्लाह है गॉड है ईश्वर है सब बातें मालूम होंगी उसको। और दूसरी बात ऐसी है कि जिसपे बीतती है उसको पता चलता है, जिसपे नहीं बीतती है उन्हों क्या है बैठ के सुकून में ठंडे छाव में वो बड़े बड़े वो देते रहते लेक्चर, और जब बीतती तो फिर उनको याद आता दालाटे का भाव, ऐसा रहता तो, और जिस पे नहीं बिकती हो तो मजे में रहते, बोलते ऐसा कहीं रहता क्या हम मानते नहीं, और जब बीत जाती तो बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी फिर आते लाइन लगा के नंबर में, फिर चलो नमाज उमाज पढ़ो इबादत वो करो, नमाज को जाना छोड़ दिया क्यों मियां, कुरान नहीं आती पढ़ने, तुम पढ़ने को गया था ना मैं बाद नमाज फजर के पढ़ो बोल के, जुम्मे को भी गए तो अकड़ के आ रहे थे पूरा आके कमरे में अकेले बैठ जा रहे थे, कुरान पढ़ो करो कंटिन्यू में, और उसके बाद नमाज भी पढ़ो पांच टाइम की पाबंदी करो, और दरगाह को संदलों में सोप जाते थे, ये अटक हुई है जब से काम भी बाहर गया तो अटक, जोर से बोलो बाहर, दुनिया सुन रही तुम्हारा वहाँ क्या होता था, बाहर गया तो अटक हो जा रहा, उन्होंने बोल रहे पहले करते उन्हों बोल रहे पहले उन्हें दरगाह को जाता था मस्जिद को जाता था नमाज को जाता था, बाद में उन्हें दरगाह को भी नहीं जा रहा मस्जिद को भी नहीं जा रहा नमाज को भी नहीं जा रहा कई को, तो उसको जिन्ना शैतान लगने के बाद, अब इस पे अंदाजा लगा लो नमाज को कौन नहीं जाता मस्जिद को कौन नहीं जाता दरगाह को कौन नहीं जाता, वो जाता जिसके आंग में शैतान रहता वो नहीं जाता, घर से बाहर गए तो होगा अटक हो रहा, गेट के बाहर गए तो भी ऐसा घर से हाथ पकड़ ले जा रहा तो चलो बाहर चल बाहर चल हो बात कर रहा था हमें आके, क्या रात के टाइम ढाबे के ऊपर ठहर के बुलाना
ढाबे पे एक बार नीचे गिरने वास्ते भी गया था, उसको दिख रहा था करते ढाबे पे ठहर के बुला रहा था, कैसा दिख रहा था, कैसे कपड़े पहने आ रहा था? पूरा व्हाइट कपड़े है और जो हाथाम बोलते है वो ब्लैक कलर में है। अच्छा, और बालाम बोलते सो बहुत लंबे है। अच्छा, और दाता वाता कुछ राइट है सब? उतना क्लियर नहीं है, ये फेस तो उतना क्लियर नहीं दिखा, मगर ये शेप बोलते सो दिख के आवाज आती थी, बहुत मोटी आवाज, डरोना आवाज जो होती थी, ऐसा बात करता भाई खामोश सुनते था, कभी कुछ नहीं बोला। क्या बात करता था वो? चल बाहर गएंगे तो एक बादशाह बना के रखता हूँ मैं, ये दुनिया तेरे काबिल की नहीं है, चल तू मेरे साथ। अच्छा, तुम कोई जिक्र अस्कार कोई छिल्ला खसी कर रहे थे क्या? दुकान में सही बोलो। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं करता था, दुकान को जाता था मैं, दुकान खोल के खाली फाजा दिला के दुआ कर लेता। चलो ठीक है, जानो इबादत तो सब करो दादी दादी, इबादत की रस्सी मौजूद। आप कैसा लग रहा, तबीयत कैसी लग रही है? सुकून दिख रही है। चलो उसको बहुत मार पड़ी, भाग गया हो खुद, उठ भागा हो, दूसरी बात क्या बोलते हो?